नमस्कार दोस्तों, टाइनी सीड्स की ओर से आप सबको बाल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। बाल दिवस एक ऐसा दिवस जो हमें हमारे बचपन की याद दिला दे, तो इस अवसर पर अगर आपको स्पीच देनी है तो आपकी स्पीच ऐसी होनी चाहिए कि उपस्थित सभी जन अपने बचपन में लौट जाएं और सोचने में मजबूर हो जाएं कि रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वह बचपन का ज़माना था। वह बचपन की अमीरी ना जाने अब कहाँ खो गई। वो दिन ही कुछ और थे जनाब, जब बारिश के पानी में हमारे जहाज़ चला करते थे। तो दोस्तों, आपको अपने भाषण का शुभारंभ कुछ इन चंद पंक्तियों से ही करना है। इसके उपरांत इस तरह से उपस्थित श्रोता वर्ग या दर्शक का स्वागत कीजिए। समादरणीय अतिथिगण, माननीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और आज के हमारे झिलमिलाते, धमकते और टिमटिमाते सितारे, मेरे प्यारे बच्चों, मैं संध्या ठाकुर आप सबका बाल दिवस के इस सुनहरे प्रांगण पर हार्दिक अभिवादन करती हूँ और स्वयं को भाग्यशाली समझती हूँ तथा साथ में अपनी निर्णायक समिति को धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने इस पावन अवसर पर आप लोगों के समक्ष बाल स्नेह से ओतप्रोत विचारों की अभिव्यक्ति करने का मौका मुझे दिया। आज पूरे भारतवर्ष में स्कूलों, संस्थानों, कॉलेज में बाल दिवस का मुख्य आयोजन किया जाता है, तो सबसे पहले प्रकाश डालते हैं कि बाल दिवस मनाने का क्या मुख्य उद्देश्य है और क्यों इसे 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। बाल दिवस केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसका एक ही मकसद है, बच्चों की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर से बेहतर भविष्य और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना। 1954 में जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने बाल अधिकारों की घोषणा की, तब 20 नवंबर 1954 को पहली बार यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया गया। 14 नवंबर 1889 को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। नेहरू को बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताना और उनके अधिकारों के प्रति अग्रिम रहना अच्छा लगता था। उनका हमेशा यह मानना रहा कि आज के यह नन्हे सितारे नव भारत का सपना पूरा कर सकते हैं, यही वह सितारे हैं जो कल का भविष्य बनाएंगे, इसलिए इनकी परवरिश में कहीं भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनके मरणोपरांत 20 नवंबर के बजाय भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगर बाल दिवस मनाने का इतना बड़ा उद्देश्य है तो हम बड़ों की जिम्मेदारी यहाँ से अपने बच्चों के प्रति और भी अधिक बढ़ जाती है। बच्चे उस बीज की भांति होते हैं जो हम बड़ों द्वारा सही मिट्टी का चयन करके बोया जाता है और सुरक्षित लालन पालन करके सींचा जाता है, ताकि आने वाले समय में वह एक मजबूत वृक्ष बनकर तैयार हो सके। बच्चे हैं देश की प्रगति का आधार, अवश्य करेंगे अपने माता पिता के सपने साकार। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम बड़ों की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस फूल रूपी कली को मुरझाने ना दिया जाए। अगर हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी आदतों, संस्कारों और स्नेह से करते हैं तो निसंदेह हमारे यह बाल रूपी फूल हम माता पिता और देश रूपी बगिया को बड़ी ही खूबसूरती से महकाएंगे। माना हर माता पिता की यह सोच होती है कि उसका बच्चा हर क्षेत्र में अव्वल हो, उनका नाम रोशन करे, परंतु यह तभी संभव होगा जब हम बड़े कुछ खुद में बदलाव लाएं। बच्चे को बच्चा समझे, ना कि कोई रोबोट। खुद के व्यवहार में सकारात्मकता लाएं और एक आदर्श के रूप में काम करें तो हमारे टिमटिमाते और मुस्कुराते नन्हे स्वयं प्रगति की राह पर चल देंगे। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगी कि बाल श्रम एक मासूम बच्चे के गायब होने का कारण है। बच्चों के हाथ मुलायम और साफ होने चाहिए, सख्त और गंदे नहीं। इसलिए उड़ने दो परिंदों को
उड़ने दो परिंदों को, अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने के दिन नहीं आते। वो मस्ती भरी सी रंगत, वो तितलियों की संगत, वो माटी में खेलना, वो पेड़ों में झूलना, वो त्योहारों का इंतजार, वो खिलौनों का बाजार, वो माँ का दुलार, वो बाप की पटकार, वो दोस्तों की हटखेलियाँ, वो अटपटी सी उलझी पहेलियाँ, डंडियों पर दोस्तों का साथ, वो कंधों पर रखे हाथों पे हाथ। इसलिए दोस्तों, उड़ने दो परिंदों को, अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।